नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होगा। आज आपको यार हम एक बहुत ही टॉप की दवाई के बारे में बताने जा रहे हैं, जिससे आज सभी लोग परेशान हैं। जैसे पथरी का तो आपने सुनी होगी, ये पथरी जो होती है एक की थैली में होती है और दूसरी गुर्दों में होती है। तो इस थैली का यार रामबाण इलाज है, इसको हम बोलते हैं पत्थरचट्टा की बेल। ये जो बेल है इसकी खासियत है, ये पहाड़ों के अंदर जो है पत्थर के अंदर ये जड़ पैदा होती है। और ये देखिए, आपको दिखाई देगी कि कितनी सारी जड़ें मैं मुक्तेश्वर के पहाड़ों से तोड़ कर लाया हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ ये किस तरह है, ये तोड़ के निकाली गई होगी। और आप पूछेंगे भाई ये पानी में क्यों भिगोई हुई है? इसको पानी में भिगोने का कारण है, देखो जड़ों के अंदर ना मिट्टी जमी हुई है। तो ये मिट्टी जैसे पहाड़ी पथरीली मिट्टी होती है तो जमी हुई होती है जड़ों के अंदर। तो अब इस क्या करेंगे हम, इसको इस जड़ों को इस तरह साफ कर करके इस तरह सारी जड़ों को मैं चाकू से साफ करूँगा। इसके बाद ये मिट्टी हटाऊंगा और ये सारी मिट्टी साफ करने के बाद में क्या होगा, अभी जब तक ये हरी है गीली है तब तक तो इसको हमें से तोड़ करके अंदर से ऊपर से इसकी छिलाई करके अंदर वाला जो पार्ट है वो थोड़ा सा लेना है। 5 ग्राम काफ़ी है। 5 ग्राम आप जब इसको लेंगे, इसको सुबह सुबह खाली पेट, जिसको बोलते हैं निन्यावासी, कुछ खाना नहीं है जब इस दवाई को लेना है तो। और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये समझ लीजिए पहाड़ों के अंदर एक जड़ी बूटी है और सिंपल सा बेल के जैसे होती है। ये इस बेल के ऐसे पत्ते होते हैं, देखिए ये इस बेल के पत्ते होते हैं। इन पत्तों का भी कोई साइड इफेक्ट नहीं है। वो मैं किस तरह दिखाऊंगा आपको, वो मैं इस तरह दिखाऊंगा ताकि आप ये कहेंगे हाँ भाई हम जो बता रहे हैं वो गलत नहीं है। ये देखिए ये पत्ते हैं, इसका टेस्ट भी बहुत शानदार होता है, थोड़ा सा कड़वा होता है हल्का सा। और जैसे मान लो इस पत्ते को आप खाओगे तो यार जब बिल्कुल फ्रेश रहता है इस पत्ते का बड़ा खाने में मज़ा आता है। आप इसको देख सकते हैं, अगर उसको हम खाएंगे तो आप देखिए ये पत्ता ऐसे होता है जैसे हल्का सा पान के पत्ते की जैसे सेप होती है, बिल्कुल ग्रीन है। अब इसमें ग्रीन पत्ता है, टेस्ट भी अच्छा है, बुरा नहीं है। और पथरी जैसी बीमारी को जो आज की डेट में लाखों रुपये लोगों के खर्च हो जाते हैं, तो उस बीमारी को ये बिल्कुल जड़ से खत्म कर देता है और दर्द भी नहीं रहता। अब आप पूछेंगे पत्तों का मैं क्या करने वाला हूँ? भाई ये मेरे पास है, ये देखिए जैसे कि बादाम पीसने हो सेहत बनाने के लिए, तो इस तरह हम लोग अब इसमें इन पत्तों को डाल करके थोड़ा सा जैसे मान लो काला पड़ गया पत्ता, काला पत्ता हटा देंगे, ग्रीन पत्ते हैं इनका अर्क बना लेंगे। अर्क बना करके भी हम पी सकते हैं। ये दो तरीके मैंने बताए आप लोगों को, एक तो पत्ते को साबुत खा सकते हो और दूसरा इसका अर्क बना करके। मैं सिलबट्टे से क्या करूँगा, इस सिलबट्टे से मैं इसको पूरा पीस दूंगा। मान लो जैसे हरा है, हरा भरा है, खा सकते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं हो, मैं खाता हूँ। और इस तरह चीज़ें हों, मतलब ग्रीन भी जिसको बोल सकते हो आप भाई, प्रकृति का जिसको कहते हैं प्रकृति का आप लोगों के लिए वरदान, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हम इसको इस तरह डाली। अब ये जड़ों का मैंने आपने बता दिया, भैया इनका मैं क्या करने वाला हूँ, अब ये ताज़ी हैं, फ्रेश हैं, छीलूँगा इनको, काटूँगा, उसके बाद क्या करूँगा सूखाऊँगा। सूखने के बाद जो जड़ें हैं पाउडर में इसको पीस करके इस पर मशीन के अंदर इसको पिसवा करके मैं पाउडर रूप में 5 ग्राम पाउडर तैयार करूँगा। चलो ये तो अभी जो है मैंने खाया, अभी हमारी मम्मी जी हैं, मैं अपनी मम्मी के लिए लाया था। उनको क्या है कि भाई उनको भी पथरी है, तो उनको हम पत्ते ये वाले पत्ते अपनी मम्मी को खिलाते हैं। और इसमें खास बात है कि 1.5 से 2 घंटे पानी पी सकते हो, दूध वगैरह या कुछ खाना नहीं है, ठीक है। अभी थोड़ा सा लेते हैं हम ब्रेक, चलते हैं अभी अपनी मम्मी के पास। हाय दोस्तों, हाँ ये मेरी मम्मी है जिनके लिए हमें पहाड़ से पत्ते लाए हैं, इनको पथरिया है। और अभी ये इसको खा के टेस्ट बताएंगे, इसका टेस्ट कैसा आप खाइए प्लीज। पत्ते के खाते समय आप पानी भी यूज कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, और 1 से 2 पत्ते काफी हैं। 5 ग्राम तक इसका टेस्ट कैसा आ रहा है? इसका अच्छा टेस्ट है, हरा भरा है, खट्टा मीठा टेस्ट है। ये देखो मतलब कुछ इसमें कोई भी बुराई नहीं है। पथरी का जो है आपका लीवर के अंदर हो या पित्त की थैली के अंदर हो, उसके लिए दवाई बहुत ही कारगर है। और मैंने आपको बताया था, पीछे दिखाया था वो कूटने के लिए, मैं इसका भी इस सारे जो बचे हुए पत्ते हैं इन सबका मैं अर्क बनाऊंगा। अर्क बना के 5 ग्राम किसी ग्लास में डाल करके 5 ग्राम तक हम इसको पी सकते हैं। तो अभी
पानी पी लिए, पूरा पत्ते को चबाना है आपके जैसा, जैसे आपकी जड़ी बूटी होती है उसको पूरा निचोड़ के खाना होता है इस तरह, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो दोस्तों ये आज हमारी वीडियो आपको कैसी लगी ये बताना है। ये मैंने भी पत्ते खाए हैं, कोई और है पत्ते खाने वाला? अगर कोई है तो अब ये देखो, ये भी पत्ते खाने चाहते हैं। यहाँ पे ये हरे पत्ते हैं, आप भी बताइए इसका टेस्ट कैसा है। हल्का सा खट्टा, हल्का खट्टा मीठा और हल्का सा कड़वा भी होगा। तो जितना ये फ्रेश पत्ता होता है ये उतना ही अच्छा रहता है। तो आप इसको देख सकते हैं, तो खाने में तो कोई नुकसान है नहीं भाई। जिसको पथरी है वो लगता है पथरी के होश उड़ाने हैं, तो भाई पत्ते खाओ और मज़े उड़ाओ। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें। अगर अच्छा लगे, कोई बीमार है तो उसको शेयर भी करें। और हाँ, अगर किसी को ये लगता है कि भाई ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो 5 ग्राम में जब ये पाउडर तैयार करूँगा, अगर मेरी लिमिट में हुआ तो मैं इसको कहीं पर भी फ्री कुरियर भी करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे पास अभी 2-2.5 किलो के आसपास ये है औषधि। लेकिन अगर पलवल क्षेत्र से कोई लोकल आदमी है तो मेरे पास वो फ़ोन नंबर, जिसको चाहिए कमेंट में डाल के फ़ोन नंबर ले ले मेरा, और उसको मैं ये फ्री में भी बाई हैंड घर पे दे सकता हूँ। थैंक यू। अच्छा, इस दवाई का जो है एक बात और बताइए, ये जो दवाई है आपकी जो आप औषधि बता रहे हैं, इस औषधि का मतलब नाम क्या है? अगर कोई चाहे ढूंढना चाहे इसके औषधि नाम आते हैं काफी, कई औषधियों के। इस औषधि का नाम है पत्थर चट्टा की बेल। अच्छा, पत्थर चट्टा की बेल। पत्थर चट्टा की बेल। अच्छा, डिस्क्रिप्शन में भी इसको दूंगा पूरा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन। हाँ, तो पत्थर चट्टा की बेल है, पत्थर के अंदर ही होती है। अच्छा, मिट्टी में नहीं होती। अच्छा, हालांकि मैंने कोशिश की है अपने यहाँ पीछे प्लॉट है उसमें कोशिश की है, उसकी जड़ अगर हो जाती है। अच्छा, अगर वो ग्रीन हो जाती है क्योंकि मौसम में बरसात का रहा है, अगर ये हो जाती है तो पॉसिबिलिटी है। फिर हम उसको इस स्केल पे 2-4-5 मैंने जड़े लगाई हैं, दिखाता हूँ आपको एक प्लीज। बिल्कुल, ये अब देखो, ये सारा मैंने आपको खा के भी दिखा दिया, अपने घर में खिला के भी दिखा दिया। और जो चीजें है ना, ये देखो इस तरह मैं इसका अर्क बनाऊंगा, जैसे आप बादाम को पीसते हो ना इसी तरह इसको इसका तैयार किया जाएगा। कोई साइड इफेक्ट नहीं दिया, मैंने कई बार बोल दिया और मैं खुद भी खा रहा हूँ, और जिसको जरूरत हो वो भी इसको खा सकता है। तो और कुछ पूछना चाहते हैं आप? बस बाकी अगर आप लोगों को कोई कमेंट हो गाइस, तो आप लोग अपने चैट में हमें जरूर डालिए, एंड हम लोग उसे ट्राई करेंगे पूरा पूरा आप लोगों को उसका जवाब देने का। एंड अगर आप पलवल से हैं तो आपको मैं नंबर आपको स्क्रीन पे आ रहा होगा, नहीं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में दोनों जगह नंबर दे दूंगा। अगर आप लोग हमारा एड्रेस चाहिए करके, तो आप हमसे फ्री में ले जा सकते हो गाइस। ये चीज़ें इस समाज सेवा के लिए होती हैं, ये सब चीज़ों के लिए। ऐसा नहीं है ये वीडियो हम ओनली आपका मतलब कि वैसे भाई हमसे खरीदो, हम ये नहीं बता रहे हैं, एकदम फ्री है, ये समाज सेवा के लिए हम लोग बता रहे हैं। अगर आप चाहते हैं जिसको है, इसके अलावा एक और औषधि है जो हमारे मतलब कि दिल्ली के अंदर काफ़ी मतलब बहुत से लोग उसे बेचते हैं, एंड बहुत से लोग मतलब कि समाज सेवा के लिए वो एकदम फ्री में होती है, लेकिन कुछ बहुत से लोग उसे बेचते हैं। मैंने देखा है, मैंने आज मैं आज से एक हफ्ते पहले देखिए इस पत्ते की खास बात देखिए, इसको काफ़ी टूटा है, उसके बाद भी ये पत्ता देखो इतना जल्दी से छिकता नहीं। अगर हल्का पत्ता होता तो इतनी चोट के बाद में काफ़ी पिस जाता, लेकिन अभी तक भी आप देखिए इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। जितनी मेहनत इन पत्तों में करनी पड़ेगी उससे ज़्यादा इन जड़ों को सुखा करके मुझे इसके जो अंदर की चीज़ें हैं उनका पाउडर बनाना है। तो मैं कोशिश करूँगा इनको किसी मशीन वाले के थ्रू बात करके इनको पिसवाऊँगा, और आप लोगों के लिए ये निःशुल्क है, इसकी कोई कीमत नहीं है भैया। थैंक यू। राम राम जी, सत श्री अकाल। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप लोगों को अपनी नेक्स्ट ब्लॉग और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं आपको, अल्लाह हाफिज़।